अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने YouTube वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं या व्यू कैसे बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आखिर में आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आज के टाइम पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि 5-6 व्यू आ रहे हैं तो ये सेटिंग ऑन कर लो, 10-20 व्यूज़ आ रहे हैं तो ये सेटिंग आप ऑन कर लो, ये दो सेटिंग ऑन कर लो, आपका वीडियो रॉकेट की तरह चलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उनको तो व्यूज़ मिल रहा है लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो वो आपको वही बताते हैं कि आप अपना थंबनेल को सुधार कर लीजिए, आप अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये लिखिए, आप अपना टैग यूज़ कीजिए, यहाँ से टैग उठाइए, वहाँ से टैग उठाइए और देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आखिर दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो वायरल कैसे होता है, कैसे वीडियो को हम वायरल करा सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर दोस्तों आपको जानना है कि हम YouTube पर वीडियो को वायरल कैसे करा सकते हैं या फिर क्या प्रोसेस है वायरल होने का तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप YouTube का जो क्राइटेरिया है होता है उसको आप सही से फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपने एक 10 मिनट का वीडियो क्रिएट किया है, उस वीडियो में आपने जो वीडियो से रिलेटेड है वही टाइटल आपने यूज़ किया है, साथ ही आपने डिस्क्रिप्शन भी आपको उसी तरह से लिखना है, टैग्स भी आपको उसी तरह से लिखना है और जो आपका वीडियो में है वही आप थंबनेल बनाए हैं, तो आपको दोस्तों अब यहाँ पे देखना होगा कि आपने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या वो इन्फॉर्मेशन से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं क्या वो टॉपिक के लोग देखना पसंद करते हैं, अगर लोग उस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो पहले आप रिसर्च कीजिए कि यूट्यूब पर जो आप वीडियो क्रिएट करेंगे, यूट्यूब पर आप जो वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइप के और कैसे वीडियो बनाए गए हैं, लोग उसमें क्या छूटा है, वो आपको और भी किस तरह से उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है, कैसे आपको समझाना है, तो ये चीज़ दोस्तों आप अपने वीडियो में कर लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर किस टाइम पे आपको वीडियो पब्लिश करना चाहिए वो आप YouTube के स्टूडियो से ही पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि किस टाइम पर आपको वीडियो को पब्लिश करना चाहिए वो आप कैसे पता कर सकते हैं, किस टाइम आपके जो ऑडियंस हैं, जो व्यूवर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर, वो टाइम पर आप दोस्तों अपनी वीडियो को पब्लिश करेंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो को पब्लिश कर देते हैं और सही समय पे लोग अगर उस वीडियो को क्लिक करके देखते हैं, मान लीजिए आपका वीडियो 10 मिनट का है और अगर उस वीडियो में 7-8 मिनट तक लोग अगर देखते हैं एकदम उस वीडियो को सही से, तो उस वीडियो में ऑडियंस का जो रिटेंशन होता है दोस्तों वो ज़्यादा आपका हाई होने लगता है। और उसके बाद अगर आप सही से थंबनेल क्रिएट किए हैं तो आपके थंबनेल पर जैसे लोग क्लिक करेंगे तो जो आपका CTR होगा वो आपका बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट जैसे ही आपका बढ़ेगा तो वीडियो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका लोगों तक सजेस्ट में जाएगा। तो जितना ज़्यादा उस वीडियो को लोग देखेंगे ज़्यादा समय तक और जितना ज़्यादा लोग आपके थंबनेल को क्लिक करेंगे उसमें आपका CTR हाई होते जाएगा और वीडियो में ज़्यादा समय तक टाइम स्पेंड करेंगे, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो ठीक इसी प्रकार से काम करता है। अगर आपके थंबनेल पर जैसे को किसी को पास सजेस्ट किया जाता है, मान लीजिए आपका थंबनेल 100 लोगों के पास भेजा और उस थंबनेल को कम से कम 60-70 लोग अगर क्लिक मार के वो उस थंबनेल को देखते हैं वीडियो को, तो उसमें आपका जो क्लिक थ्रू रेट होगा CTR होगा वो हाई हो जाएगा, आपका जो वीडियो होता है वो और लोगों तक रीच में जाता है और वो वीडियो जैसे ही लोगों तक जाता है उस पर क्लिक करता है तो ठीक इसी प्रकार से जो है YouTube आपकी वीडियो को वायरल करा देता है और उसमें आपको लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। तो यही है प्रोसेस दोस्तों, YouTube पर कोई ऐसा सेटिंग नहीं है जो कि आप 2 सेटिंग या 4 सेटिंग अगर कर लेंगे अपने चैनल पर तो आपका चैनल रॉकेट की तरह दौड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान में देते हुए काम करेंगे, सही से थंबनेल को आप बनाएंगे कि आपका थंबनेल क्लिक करेंगे ही लोग, साथ ही आपका जो वीडियो होगा उस वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए, अच्छे से देखेंगे, सही से समझाएंगे, तो 100% यकीन मानिए आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि आप YouTube वीडियो को कैसे दोस्तों ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।